हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एचआरटीसी कंडक्टर का जो पेपर आप सभी ने जो है वो दिया था 10/12/2023 को, उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है एचपीपीएससी की साइट पे। जो भी बच्चे इस की पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को जो है वो ले सकते हैं। देखिए, ये पेपर जो है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कंडक्ट करवाया था 10/12/2023 को। ये रिटन ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट आपका था, जिसमें टोटल जो आपकी रिक्रूटमेंट थी वो 360 आपकी इसमें दैट इज रिक्रूटमेंट होनी थी 360 कैंडिडेट्स की, जिसमें से इन्होंने यहाँ पे 130 अनरिजर्व को जो है वो सिलेक्ट किया है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे 4 दैट इज अनरिजर्व वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स किए हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन से 38, ओबीसी ऑफ एचपी 63, ओबीसी ऑफ एचपी बीपीएल 13, ओबीएस ऑफ एचपी वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी से 73, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी बीपीएल 13 और शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 4 और शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी 15 और शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी बीपीएल 5। तो टोटल जो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन्होंने यहाँ पे रखे हैं वो 826 कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट जो है वो किए हुए हैं। इसके बाद जो इन्होंने बोला है कि जो प्रॉपर जो आपकी मेरिट बनेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगी। मतलब जो जो इसके बाद जो सेकंड पड़ाव है आपका वो सिलेक्शन प्रोसेस का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो एडवर्टाइजमेंट ये है और ये पेपर जो है ये आपका 10/12 को हुआ था। दीज आर द रोल नंबर्स, ठीक है। आपको अभी तो रोल नंबर्स यहाँ से दिखेंगे नहीं, बट आप एक काम करिएगा, आपकी इसकी पीडीएफ जो है आप डायरेक्टली एचपीपीएससी पे भी सर्च जाएंगे तो सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इन द एंड इन्होंने लिखा है द शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इश्यूड शॉर्टली। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा ये आपको शॉर्टली ये जो है ये बताया जाएगा। तो आप लोगों ने पहले अपना रिजल्ट देख लेना। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। अब आगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक बार सेट कर लीजिए एक अच्छी सी फाइल में, और अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से लैमिनेट करके आप अपने साथ जरूर रखिए। क्योंकि बाद में जाके आप जैसे कि कभी अभी आपके पास टाइम है, अगर ऐसा ना हो कि कोई सर्टिफिकेट आप जो है वो भूल जाए, ठीक है। तो अभी से अपनी फाइल बनाना शुरू कीजिए। एंड बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एचपी स्टडीज की टीम से उन सभी बच्चों को जिनका पेपर क्लियर हुआ है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।